नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज ये मेरा 6th लेक्चर है एस्ट्रोलॉजी का। इससे पहले मेरे 5 वीडियो हो चुके हैं जो आपने देखे भी हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उनको देखें ताकि आगे जैसे जैसे बढ़ें आपको समझने में उनको आसानी हो, और उन वीडियो को सराहे भी, सो दैट मुझे मोटिवेशन भी मिले, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लग्न क्या होता है, हॉरोस्कोप में लग्न की बहुत वैल्यू होती है, तो लग्न के बारे में बताया था कि लग्न क्या होता है। हालांकि लग्न निकालना मैनुअली अभी आपको मैंने नहीं सिखाया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर लग्न होता क्या है वो मैंने आपको उसके अंदर बताया था। आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ ग्रहों के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रह हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे डिफरेंट ग्रह हैं, पृथ्वी है, मंगल है, जुपिटर है, सैटर्न है, इस तरीके से हमारे ग्रह बने हुए हैं जो अपने अपने ऑर्बिट्स में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और ज्योतिष के हिसाब से हम सूर्य को भी ग्रह ही मानते हैं, सूर्य को भी ग्रह माना जाता है। यह माना जाता है सूर्य मूव कर रहा है, मूव हम कर रहे होते हैं पृथ्वी पे, लेकिन हम ये मानते हैं कि सूर्य मूव कर रहा है। और सूर्य है क्या, सूर्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो लाइफ गिविंग प्लैनेट बोलते हैं सूर्य को। और हमारे शास्त्रों में भी ये है कि सूर्य से जो अवतार हुए हैं, भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए हैं, वो सूर्य के द्वारा श्री राम का अवतार है, क्योंकि राम, श्री राम को हम सूर्यवंशी भी बोलते हैं, सूर्यवंशी कहा जाता है उनको, तो श्री राम अवतार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्योर है सूर्य, कितना पावन है सूर्य। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है, सन के बारे में आप ये जानते ही हैं कि ये लाइट देने वाला है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ भी जैसे भी किसी भी लोकेशन पे हर जगह अपनी ये लाइट देता है। तो इसलिए सूर्य किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बिल्कुल कॉमन और एकदम निर्मल बन के रहता है। और जहाँ तक एस्ट्रोनॉमिकली बात है सूर्य की, तो हम जानते हैं कि सूर्य एक स्टार है, बहुत बड़ा जॉइंट फायर बॉल है, जिसका मास 99% ऑफ द सोलर सिस्टम होता है, और जो हमारी पृथ्वी से जो जिसका डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है, सूर्य का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर डायमीटर इसका होता है। और इस सूर्य के अंदर जो जॉइंट बॉल है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की एक्टिविटी चलती रहती है, क्योंकि इसमें 3/4 हाइड्रोजन है और 1/4 हीलियम गैस भरी हुई है। तो जैसे आप जानते हैं कि न्यूक्लियर से भी हम लोग पावर क्रिएट करते हैं अर्थ पे, तो इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण ये एक बहुत सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक जनरेटिंग पावर है, जिसकी एनर्जी हमें मिलती रहती है हर समय डे टू डे लाइफ के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि सूर्य सिंह राशि को, जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सूर्य सिंह राशि को रूल करता है। सिंह, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा होता है, किंग होता है, और क्रूअल भी होता है दूसरी साइड से, तो लेकिन जब चलता है तो रॉयल चाल चलता है, जिस समय चलता है तो सब लोग उसकी बात सुनते हैं, सब लोग दहलते हैं, और इसलिए जहाँ भी वो बात करता है, जहाँ भी वो जाता है, सब उसकी उपस्थिति से, सब उसकी प्रेजेंस से एकदम घबरा जाते हैं और उसकी बातों को एकदम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यही कहा जाता है कि जिसका भी सूर्य बहुत पॉजिटिव होगा कुंडली के अंदर, उस आदमी का इंप्रेशन हमेशा बहुत शानदार होगा, कहीं भी सोसाइटी में वो जाएगा उसकी बात को सुना जाएगा, साथ ही साथ वो प्योर भी होता है, दूसरे की हेल्प करने वाला होता है, क्योंकि सूर्य क्या है, लाइट गिविंग प्लेनेट है, तो ये ऐसा आदमी दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। तो सूर्य पॉजिटिव हो तो आदमी ऐसा हेल्प करने वाला होगा, किसी से डरेगा नहीं, और उनसे मेंटली कोई भी लोग उनको मेंटली चेस नहीं कर सकते, इतने इंटेलिजेंट होते हैं जिनका सूर्य पॉजिटिव होता है या सूर्य लग्न होता है। तो ये इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर सूर्य कहीं कमज़ोर हो तो भी कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि कोई कब चीज़ कमज़ोर है तो आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम हो गई, वो सब चीज़ें दूर की जा सकती हैं, उसके लिए बहुत तरीके होते हैं, उसके लिए आप अपने आप से मेडिटेशन से अपने आप से अपने आप डिस्कस करके, बात करके, अपने अंदर विल पावर इकट्ठी करके भी उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और कुछ अलग से धार्मिक जो हैं शास्त्रों में जो वर्णन किए गए हैं वो उससे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सूर्य को पॉजिटिव बनाने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि सूर्य की दशा महादशा 6 साल की होती है, टोटल दशाएं 120 साल की होती हैं, उसमें से 6 साल की महादशा सूर्य की होती है। करैक्टरिस्टिक, सूर्य क्या है, किंग राजा है, मेल, सूर्य मेल कहलाता है, क्षत्रिय कहलाता है, वॉरियर है सूर्य, रेड कलर इसका होता है मेन, यानी कि जिसका अगर सूर्य आप
का आपको मजबूत करना है तो आप रेड कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं, वस्त्र पहन सकते हैं लाल रंग के। फायर अग्नि प्रकृति होती है इसकी, क्योंकि अग्नि का पूरा सोर्स है इसके अंदर। पित्त प्रकृति होती है। समर में ये बहुत बलवान होता है। समर मींस कि 21 जून से लेके 23 सितंबर तक सूर्य पूरी पावर में होता है, और अगर किसी की कुंडली में सूर्य पॉजिटिव हो तो वो अपने 100% रिजल्ट देता है इस दौरान, इस समर के अंदर। इस 30 डेज एक राशि में रहता है, 30 डेज यानी एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो उसका मतलब यह है कि सूर्य 1 डिग्री एक दिन में चलता है। तो अगर आप कहीं देख चुके हैं किसी राशि में सूर्य 10 डिग्री के हैं, तो इट मींस कि सूर्य उस राशि में 10 दिन रह चुके हैं, 20 दिन और रहेंगे, क्योंकि 1 डिग्री पर डे सूर्य की स्पीड कहलाती है। इसके बाद सूर्य बहुत सी चीज़ों का कारक है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य की जो दृष्टि कहलाते हैं हम लोग, एस्पेक्ट्स बोलते हैं ग्रहों की दृष्टियाँ, सातवीं दृष्टि उसकी होती है, सात्विक होता है। सात्विक के बारे में ये फेमस होता है कि सात्विक लोग जो इस प्रकृति के होते हैं, वो लोग बिना किसी इच्छा के, मतलब किसी की हेल्प करना चाहते हैं, बिना किसी इच्छा के कोई भी कर्म करना चाहते हैं, जैसे कि गीता के अंदर भी कहा गया है। तो ये जिनका सूर्य पॉजिटिव होता है, इस तरह की नेचर के लोग ये होते हैं। इसके अलावा सूर्य उच्च राशि का होता है मेष में, 10 डिग्री तक, 0 से लेकर 10 डिग्री तक मेष राशि के अंदर ये उच्च का होता है, और तुला में सूर्य नीच का होता है 10 डिग्री तक। आपको मालूम है कि जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का होगा उससे सातवीं राशि में ही हमेशा नीच का होता है, 180 डिग्री के ऊपर। ये कारक किन किन चीज़ों का है, पॉजिटिव क्या है, ये कारक किन किन चीज़ों का है? आत्मा का कारक है सूर्य। अगर कोई सूर्य किसी का मजबूत है तो उसकी आत्मिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। विजय का कारक है, विक्ट्री का कारक है। सूर्य मजबूत हो, पॉजिटिव हो, तो आदमी हमेशा अपने आप को विजयी महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है। फेम, अगर सूर्य पॉजिटिव है तो इंसान को बहुत फेम दिलाता है, प्रसिद्धि दिलवाता है समाज के अंदर, उसकी बातों की क्षमता होती है, उसकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं। गोल्ड, गोल्ड किस लिए? धातुओं में राजा है गोल्ड, सोना, और सूर्य किंग है ग्रहों में, इसलिए गोल्ड पे सूर्य राज करता है। जितनी भी गोल्ड से बनी वस्तुएं हैं, गोल्ड से बने ऑर्नामेंट्स हैं या गोल्ड की चीज़ें हैं, वो सारी सूर्य के अंडर में आती हैं। पेशेंस, वुड पहले ज़माने में लकड़ी एक लाइफ गिविंग चीज़ थी, क्योंकि सूर्य लाइफ गिविंग प्लैनेट है, और पहले ज़माने में लकड़ी का उपयोग बहुत होता था लाइफ गिविंग के अंदर। हम लोग खाना बनाने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल करते थे, जंगलों में रहते थे, तो लकड़ी को भी सूर्य का ही वो माना गया है। तो अगर किसी आदमी का सूर्य मजबूत है, पॉजिटिव है कुंडली के अंदर, तो अगर वो वुड का बिजनेस करे तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। गवर्नमेंट सर्विस, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, बिकॉज राजा है सूर्य, तो जब राजा ग्रहों में आता है तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में किसी हाई पोजीशन पर लेवल पर हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज हो, तो जितने भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते हैं वो सारे सूर्य के अंडर में आते हैं। इसके बाद आता है मेडिसिन। सूर्य मेडिसिन का कारक है। अब जैसे आप जानते हैं कि सूर्य लाइट देने वाला है, तो जितनी भी मेडिसिन हमारी होती हैं उनको लाइट चाहिए होती है, प्रकाश चाहिए होता है दिन का उन मेडिसिन को फलने फूलने के लिए। तो जितनी भी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि मेडिसिन भी लाइफ गिविंग चीज़ें होती हैं, लाइफ देती हैं, तो इसलिए जितनी मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन जब क्या कंपनीज हैं, वो सारी सूर्य के अंडर में आती हैं, उसके ज्यूरिस्डिक्शन में आती हैं। और विटामिन, आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी में बैठिए और विटामिन डी आपको मिलेगा। तो इसका मतलब जितनी भी विटामिन टैबलेट्स होती हैं, जितनी भी मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती हैं, वो सारी सूर्य के अंडर में आती हैं। इसके बाद आता है हमारा जितने भी लाइफ गिविंग केमिकल्स हैं, क्योंकि सूर्य लाइफ गिविंग प्लेनेट है, तो जो भी केमिकल्स हमारे लाइफ गिविंग केमिकल्स होते हैं जिससे कि जीवन को तेजी मिलती है, जीवन में उत्साह का संचार होता है, वो सारे केमिकल्स सूर्य के अंदर ही आते हैं। तो ये जिन चीज़ों का ये पॉजिटिव है, अगर इन चीज़ों का आदमी बिजनेस करे, सूर्य पॉजिटिव हो, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। और जैसे गोल्ड का, केमिकल्स का, ड्रग्स का, वुड का, विटामिन्स का, या कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर हो या किसी कंपनी में सीईओ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के अंदर हो, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसे लोग बहुत ही लिबरल होते हैं, बहुत ट्रूथफुल होते हैं और बहुत ही प्योर होते हैं। हाँ, सूर्य अगर कमज़ोर हो तो इन चीज़ों की थोड़ी कमी आ जाती है उसके अंदर, पर ऐसा नहीं है कि वो कमी पूरी नहीं कर सकते। उनको कमी पूरी करने के बहुत से तरीके होते हैं, डिफरेंट
पूजाएं हैं, तपस्याएं हैं, लेकिन उससे पहले आदमी की विल पावर होनी चाहिए, आदमी को मेडिटेशन होना चाहिए, तो उससे भी वो सारी कमियों को दूर कर सकता है। आदमी के अंदर विल पावर मेन होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी पार्ट्स, क्योंकि सबसे शरीर में मेन बॉडी पार्ट्स क्या है, सूर्य लाइफ गिविंग प्लेनेट जिसे है, मैंने बोला है, शरीर में मेन पार्ट्स बॉडी पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो कि आदमी को सीधा रखती है, तो इसका स्पाइनल कॉर्ड सूर्य के अंडर में आती है। स्टोमक, क्योंकि स्टोमक में खाना डाइजेस्ट होता है, एनर्जी देता है, इसलिए स्टोमक भी सूर्य के अंडर में आता है। आईज, सूर्य लाइट देता है और आईज उन लाइट को फील करती है, इसलिए आईज भी सूर्य के अंडर में आती है। हार्ट, कहते हैं कि दिल के अंदर आत्मा रहती है, तो इसलिए दिल भी सूर्य के अंडर में आता है। स्टोमक, जैसे मैंने आपको बताया, डिसीज़ कौन सी होती है, अगर सूर्य किसी की राशि में कमज़ोर हो, किसी कुंडली में कमज़ोर हो, तो उससे होने वाली डिसीज़ इन्हीं चीज़ों के विषय में होती हैं। या तो आई में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हाई फीवर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब सूर्य अगर किसी कुंडली में कमज़ोर है तो कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है? कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो सुख में तो करना ही चाहिए, मतलब अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है आपकी कुंडली के अंदर, इट डजंट मीन्स कि आप उसके और स्ट्रांग करने के लिए एक्शन ना लें। हाँ, अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक है तो उसके लिए भी आपको एक्शन लेने हैं। तो सूर्य की वीकनेस कैसे दूर की जा सकती है, इसके लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग ग्रंथों में, स्कंद पुराण में कहीं भाई डिफाइंड की गई हैं। जैसे एक बहुत ही सूर्य कहीं किसी कुंडली में अफ्लेक्टेड है, पीड़ित है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि वो कभी उड़ीसा उसका जाना हो तो कोणार्क टेम्पल में भगवान के दर्शन करे, सूर्य भगवान का मंदिर है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा रहता है, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में कोलापक्कम एक जगह है जहाँ पर सूर्य का मंदिर है, वहाँ भी जा सकता है। और स्कंद पुराण के अंदर ये बोला गया है, स्कंद पुराण में एक विषय है काशी खंड, उसमें कहा गया है कि एक शिवलिंग है पंच घाट के पास, पंचगंगा घाट है काशी में, उसके पास एक शिवलिंग है, वहाँ संडे के दिन सनराइज से एक घंटा पहले अगर आप पूजा करें तो बहुत ही फायदा होता है, बहुत ब्लेसिंग्स सूर्य भगवान की मिलती हैं और सूर्य भगवान आपकी कुंडली में आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः, यानी सुबह सुबह जल जरूर देना चाहिए, चाहे कुंडली में सूर्य एफ्लिक्टेड हो या कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, तो आप सुबह सुबह सूर्य को प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य को जल देने से बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ साथ में अगर ओम सूर्याय नमः का भी आप बोलें तो बेस्ट होता है। सूर्य के लिए कुछ दान भी बताए गए हैं, अगर कहीं दान करना हो तो गेहूँ, केसर, रेड क्लोज एट्सेट्रा का दान करते हैं, क्योंकि गेहूँ सूर्य का है, फूड प्रोडक्ट्स में गेहूँ सूर्य के अंडर में आता है, क्योंकि गेहूँ एक लाइफ गिविंग चीज़ है, आदमी को, इंसान को एनर्जी देने वाला है, तो इसलिए गेहूँ को सूर्य के ज्यूरिडिक्शन में माना जाता है। सूर्य के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि जब भी वो धनु सेगिटेरियस, मिथुन, जैमिनी, मीन, पाइसस और कन्या वर्गो राशि में प्रवेश करता है, सूर्य जब भी इन राशियों में प्रवेश करता है, तो अगर आप कोई भी चैरिटेबल डीड करेंगे मंदिर के अंदर, कोई अच्छा काम करेंगे, कोई दान करेंगे, तो आपको 86,000 टाइम्स उसका वापस रिटर्न मिलेगा। तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसका, 86,000 टाइम्स रेट ऑफ रिटर्न है। और अगर आप जब भी सूर्य वृष राशि में, वृश्चिक राशि में, कुंभ राशि में या सिंह राशि में एंटर करेगा, उस समय कोई आप चैरिटेबल डीड्स करेंगे टेंपल के अंदर, तो आपको 1,00,000 टाइम्स का रेट ऑफ रिटर्न है आपका। तो लगा सकते हैं कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलने वाला है। एक चीज और भी है, अगर सूर्य अफ्लिक्टेड हो तो जब भी अमावस्या हो, नो मून हो, तो तिल और जल का पितरों को दान करने से माघ के महीने में, मार्गशीर्ष, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं माघों मासों में मार्गशीर्ष हूँ, यानी कि मंत्र जितने भी हैं उसमें माघ का महीना हूँ। तो माघ के महीने में अगर आप तिल और पानी का दान करेंगे पितरों को, तो कहते हैं कि हमेशा के लिए स्वर्ग में सीट बुक हो जाती है, हेवन में। शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को भी अगर आप कुछ चीज़ डोनेट करें, सूर्य से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, तो अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स आपको होते हैं। और बहुत बढ़िया है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य एफ्लिक्टेड है तो ओम घणी सूर्याय नमः, इसका 7,000 टाइम्स जाप करना है रोज, 108 बार 7,000 टाइम्स में कहते हैं कि ये सिद्ध हो जाता है, ओम घणी सूर्याय नमः। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई सूर्य के लिए, और ऐसे ही आगे मैं आपको बाकी दूसरे ग्रह हैं, चंद्रमा है,
मंगल है, बुध है, सब ग्रहों के बारे में बताऊंगा। तो आशा है कि आपको इसमें जो सूर्य की बातें बताई हैं वो चीज़ समझ में आई होंगी। और आप सूर्य को ऐसा मत सोचिए कि कोई चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो परेशान करेगी। पॉजिटिव है तो उसे और पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे बड़ी विल पावर होती है इंसान के अंदर, और भगवान की तपस्या, भगवान की पूजा, भगवान में विश्वास रखना, लॉर्ड के अंदर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आशा करता हूँ कोई लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। कोई मेरे अंदर कोई कमी हो, कोई चीज़ बताने में ठीक ना रही हो, तो मैं उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।